तो एक दृढ़ लक्ष्य रखें, साधना मुझे कैसे भी करनी हो पड़े, लेकिन मुझे ऐसा साधन, कौन सा साधन, अचल अडोल एक स्थिति रूपी साधन अपने पास तैयार रखना है। तभी हम ऐसी बेवक की सेवा सफलता पूर्वक कर सकेंगे। अभी दिखाई दे रहा है, 3-4 साल के बाद आप देखना मनसा सेवा का बोलबाला होगा। बाबा ने कहा है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा होगा, परिस्थिति ऐसी होगी, जो आत्माएं हमारे पास नहीं आ सकेगी और हम आत्माओं के पास नहीं जा सकेंगे, उस समय दूर बैठे हमें अनेक आत्माओं की मनसा के द्वारा सेवा करनी होगी। और इस सेवा के द्वारा बहुत कमाई कर सकते हैं। इसको होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस कहते हैं, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस हम मनसा के द्वारा कर सकते हैं। और स्थिति ही हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर मैंने अपनी स्थिति अचल अडोल एक श्रेष्ठ नहीं बनाई, तो ऐसा कह सकेंगे कि बाबा से मैंने जितना लाभ लेना चाहिए उतना नहीं लिया। बाबा ने मुझे ऑफर किया चांस, लेकिन उस चांस का मैंने उतना जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी वो बेहद का स्पिरिचुअल बिजनेस करते रहेंगे तो हम उनको देखने वाले बनेंगे। ऐसा बिजनेस करने वाले नहीं बनेंगे, केवल देखने वाले बनेंगे। इसलिए हमें ये चांस बाबा ने दिया है, इस चांस को हमने छोड़ना नहीं है। इसलिए इसी श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना ही है, ऐसा लक्ष्य हमारा हो। क्योंकि जैसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, ऊंची होती है, लोगों का दृष्टिकोण भी हमारे प्रति ऊंचा होता है। ब्राह्मण जीवन में लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति ऊंचा होना, ये हमारी उन्नति है, ये हमारी असली कमाई है। इसलिए हमें ये चांस जरूर लेना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को पावरफुल बनाने पर ध्यान देना है।